हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग मेडिजी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नई स्ट्रेटेजी प्लेटफॉर्म पे स्टॉक बाइंग करने के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, स्टॉक बाइंग करने के लिए एक नई स्ट्रेटेजी हम सीखने वाले हैं। उससे पहले हम हमारे जो हमने अल्गो डिप्लॉय किए हुए थे ऑप्शन ट्रेडिंग पे, उसका रिजल्ट, आज का रिजल्ट हम देखने वाले हैं। तो ये रिजल्ट देखिए दोस्तों, ये 13 फरवरी को मैंने डिप्लॉय किया था और इसका प्रॉफिट अभी 7,700 चल रहा है। इस स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट लॉस मतलब गेन में प्रॉफिट ही है। ये हमारी बाइंग स्ट्रेटेजी है, बाइंग स्ट्रेटेजी ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। हमारे पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी नजर आ रही है दोस्तों। 10,000 का प्रॉफिट जनरेट हुआ है 14 फरवरी से इस स्ट्रेटेजी में। ये बहुत ही रिकमेंडेड स्ट्रेटेजी है और ये स्ट्रेटेजी मैं खुद से अपने लाइव अकाउंट पे यूज कर रहा हूँ दोस्तों। और ये स्ट्रेटेजी है स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक बाय करने के लिए। ये आज हम कैसे बनाना है, स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक कैसे बाय करना है, तो उसके बारे में हम आज अल्गो बनाने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। स्ट्रेटेजी का नाम हम दे देंगे स्टॉक बाय स्विंग ट्रेडिंग। और इधर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों, जो हम ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं करते, तो इधर लिस्ट सिलेक्ट करना है जो हम तो स्टॉक बाय करना है। इधर लिस्ट ऑलरेडी बनाई हुई है, तो इधर ऐड करना है हमको। नंबर ऑफ लिस्ट आ जाएंगे इधर। इसमें हम जो बैंक निफ्टी के जो 50 स्टॉक थे उसमें हमको ट्रेड करना है, तो इधर बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर लेंगे और हमको स्टॉक का बाय करना है। तो हम हमारी पहली कंडीशन पहले डाल देते हैं, टाइम शुड बी ग्रेटर देन 9:15। ये हमारी पहली कंडीशन रहने वाली है दोस्तों, और बाद में दूसरी कंडीशन हमारी ये रहने वाली है। पोजीशन डिटेल ले लेंगे हम, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि एक स्टॉक में एक बार एंट्री हो गई तो उसी स्टॉक में फिर से एंट्री हमारा अल्गो ना ले, इसलिए हम ये कंडीशन डाल रहे हैं। कंडीशन में हमारी एंट्री रहेगी, एंट्री ट्रांजेक्शन हमारा बाय रहेगा। इंस्ट्रूमेंट में इधर ब्लैंक छोड़ देंगे और इधर जो है ये क्वांटिटी डाल देंगे हमारा, इधर अंदर ले हमारा निफ्टी 50 के स्टॉक से, इधर निफ्टी निफ्टी 50 डाल देंगे और इधर इट शुड बी इक्वल टू 0। मतलब एक बार ही बाइंग होने वाली है एक स्टॉक में, बार बार एंट्री नहीं होनी होगी। और मल्टीपल ट्रेड्स अगर अल्गो लेगा तो ये उसको रिस्ट्रिक्ट करने वाला है, तो ये कंडीशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और एक हम अभी कंडीशन डाल लेते हैं, हमको स्टॉक जो है वो कब बाय करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक बात है दोस्तों, हमारे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, वो स्टॉक्स कब बाय करते हैं, तो वो मैन्युअली बाय नहीं करते, वो सिस्टम के थ्रू ही उनका बाइंग होता है। और हमारा
जो 200 डे का मूविंग एवरेज रहता है उसके ऊपर अगर स्टॉक गया तो आपको बाय करना है। वो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंडीशन है दोस्तों, तो ये कंडीशन हम अभी एल्बम में डाल देंगे पोजीशन पोजीशन कीवर्ड का यूज करेंगे हम। पोजीशन में हमारा क्लोज जो है करंट कैंडल का क्लोज जो है हमारा सिंबल में हम इंस्ट्रूमेंट नेम डेली कैंडल हमारी रहने वाली है तो इंस्ट्रूमेंट नेम में हम एमएससी डालेंगे इधर और इधर हमारी लिस्ट सिलेक्ट करेंगे। लिस्ट निफ्टी 50 आ जाएगा इधर, फिर ओके कर देंगे। हमारा क्लोज जो है शुड बी मोर देन पोजीशन, फिर से पोजीशन कीवर्ड का यूज करने वाले हैं। पोजीशन हमारी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इधर ये हमें हमारा 200 डाल देंगे पीरियड। सिंबल हमारा डेली का टाइम फ्रेम रहने वाला है और हमारी लिस्ट एज यूजुअल निफ्टी 50 के स्टॉक की लिस्ट रहने वाली है दोस्तों। तो ये हमारी बाइंग की कंडीशन बन गई, इसको हम सबमिट कर देंगे और इधर पोजीशन बिल्डर में हमारी पोजीशन ऐड कर देंगे। इधर इधर ये एनएससी रहेगी, इधर ऑलरेडी ये निफ्टी 50 आ गया है दोस्तों, स्टॉक हम सीएनसी में बाय करने वाले हैं। ये सिलेक्ट नहीं होगा इधर स्टॉक में, कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा, क्वांटिटी है। इधर हम वैल्यू डाल देंगे, एक 50,000 का हमारा अकाउंट का साइज है तो इधर 50,000 के स्टॉक बाय होंगे तो इधर 50,000 डाल देना है और इधर ऐड करके इसको क्लोज कर देना है। और हमारे एग्जिट की कंडीशन, हमारी स्टॉप लॉस की कंडीशन डाल देंगे, उसके लिए हम इधर की कॉपी कर लेंगे और इधर एग्जिट में पेस्ट कर देंगे और ये बाकी की सब कंडीशन निकाल देंगे। और हमारा क्लोज अगर 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे जा रहा है तो हमको सेल कर देना है, वही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों, इसको सबमिट कर देना है। और यूनिवर्सल एग्जिट में हम पीएनएल की कंडीशन डालेंगे, हमारा पीएनएल जो है शुड बी मोर देन 5,000 रुपीज। 10% हमको अगर आरओआई मिल गया, 50,000 डाला और 5,000 प्रॉफिट मिल गया तो हम वो स्टॉक से प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। ज्यादा ग्रेड नहीं करना है दोस्तों मार्केट में, ज्यादा ग्रेड किया तो फिर वही होगा, इसलिए तो हम अल्गो यूज कर रहे हैं। हमको इमोशन लेस ट्रेडिंग करना है, इसलिए तो हम ये मैकेनिकल वे हमने ये ढूंढा है और इसमें हमारी इमोशन लेस ट्रेडिंग होगी तो ही हमको प्रॉफिट होने वाला है। बाकी की जो कंडीशन है एडवांस सेटिंग्स उसको एज इट इज रख लेंगे हम, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, उसको अपडेट कर देना है तो उसके बाद ये सेव हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, कोई भी हम म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, एफडी ले लेते हैं, उससे कई गुना ये हमने ये स्ट्रेटेजी पे अगर सुबह हमको ज्यादा कुछ नहीं करने हैं, हमको सुबह 8 बजे सिर्फ अपने ब्रोकर अकाउंट को ये अल्गो का अकाउंट कनेक्ट करना है और जो कुछ इसमें होगा
वो अपने आप करता रहेगा, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। और दोपहर 3:30 बजे आपको अगर टाइम मिला उसके बाद, तो आप कभी कभार देख सकते हैं कि क्या पोजीशन चालू है क्या नहीं है। उसको किधर भी कोई भी सेटिंग चेंज नहीं करना है दोस्तों, उसको किधर भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं करना है आपको। एट द एंड ऑफ मंथ या एट द एंड ऑफ क्वार्टर आप प्रॉफिट में रहने वाले हो दोस्तों, क्योंकि आप एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हो और इमोशन लेस ट्रेडिंग कर रहे हो दोस्तों। इसके अलावा आपका अगर कोई भी लॉजिक है ऑप्शंस बाय करने के लिए सेल करने के लिए, तो कौन सा भी आपका लॉजिक है आप मुझे लॉजिक भेज दीजिए। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना फोन नंबर और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और मेरा मेल आईडी नीचे दे रहा हूँ। आप कुछ इश्यू है तो उधर आप कमेंट बॉक्स में भी इधर मुझे बोल सकते हैं, कुछ आपको डाउट्स है तो। और मेरे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पे भी आपको कुछ डाउट्स है तो मुझे आप बता सकते हैं दोस्तों। आपका ट्रेट्रॉन का अकाउंट अगर नहीं है तो ट्रेट्रॉन का अकाउंट ओपन करने के लिए मैंने नीचे लिंक डाल दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। मिनिमम 300 डेली का चार्ज आपको लगने वाला है दोस्तों, और बहुत ही सिंपल तरीका है ट्रेडिंग करने के लिए। कोई आपको दिन भर कंप्यूटर के सामने नहीं गुजारना है, जब सिग्नल आएगा तो अलगो अपने आप ट्रेड लेने वाला है, और इसमें चिंता करने की कोई भी आपको जरूरत नहीं है। तो ये बेस्ट वे है दोस्तों ट्रेड करने के लिए। तो आपके कोई भी डाउट्स है कुछ तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और ज्यादा से ज्यादा ये मेरा जो ये वीडियो है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। आप जितने लाइक देंगे उतना मैं और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए बनाने की कोशिश करूंगा, और ज्यादा से ज्यादा मेरा नॉलेज जो है 5-6 साल का जो मार्केट का एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। गुड बाय दोस्तों।